जो छह आपने लिखा है उसमें से कोई सिलेक्शन हमारे ऑडियंस के लिए? फरजाना ने बदेदी साहब ने बताया उससे ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं है जो की ला सकती है। और अब्दुल रजाक बलोच साहब की बहन भी मौजूद है। मैं सिर्फ दो तीन ऑब्जर्वेशन जो है जो बात होती है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस पे या जो लोग उठाए गए तो उसमें दो तीन जानबूझ के मेरा ख्याल है कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। और ये कहानियां लिखने की बुनियादी वजह यही थी कि सहाफी के तौर पे आप सब लोग भी जानते हैं कि मीडिया इस तरफ नहीं आता, मीडिया जो है वो इसको कवर नहीं करता, टेलीविजन वाले तो बिल्कुल नहीं करते, अखबार वाले भी आपको अगर जिस दिन कहीं पे जो पीक्यू इलाज मिलेगी तो अगर आप उसका सिर्फ रिकॉर्ड जानना चाहें तो शायद आपको अखबार के छठे सफे पे एक इंच के कॉलम की जो है वो आपको खबर मिल जाएगी। अब्दुल रजाक बलोच साहब अगवा हुए हैं, मीडिया के आदमी हैं, लेकिन चूंकि वो बलोच हैं, लियारी से हुए हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने उनकी फैमिली का किसी टीवी पे इंटरव्यू चलते देखा हो या उनकी बात सुनते देखा हो। तो मीडिया इस चीज को बिल्कुल कवर नहीं करता। जब करता है आज के अखबार में मसलन, और फिर ये कहा जाता है कि ये कुछ नामालूम अपराध उठा के ले गए हैं, नामालूम अपराध को किसी का नाम और वो नहीं आता। तो जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में आज एक खबर छपी है दुनिया अखबार में, आप लोगों की शायद नजर से गुजरी हो या ना गुजरी हो, तो दो तीन महीने पहले बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट भेजी है और मदद की दरखास्त की है कि ये फौजी अफसरान हैं जिनमें दो ब्रिगेडियर के नाम है, छह मेजर हैं और कुछ और लोअर रैंक्स के लोग हैं, उनके नाम भी मौजूद हैं, कि ये लोग जो हैं ये बाकायदा इन्वॉल्व हैं इस ये जो अगवा हुए हैं और तशद्दुद के वाकया, और हम इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं लेकिन आपकी अदालतें इनके वारंट इशू नहीं कर रही। और मुझे याद पड़ता है कि कुछ महीने पहले जो चीफ जस्टिस साहब जाके बलोचिस्तान कोयटा बैठा करते थे तो वो जाके वो सेक्रेटरी साहब को बुला के और आई जी को बुला के वो भी उनसे यही कहा करते थे कि ये तुम लोग इनको पकड़ते क्यों नहीं, जो कर रहे हैं। तो जो इंसाफ देने वाले हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि तुम पकड़ते क्यों नहीं हो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अदलिया से कहती है कि आप लोग हमें इन्हें पकड़ने नहीं देते। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना एक बुरा मजाक है जो इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं बात ये करूंगा कि बहुत आसान है कि हम ये कह दें कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, एक फौज है, वो ये सारा कुछ कर रही है, बिल्कुल सारा कुछ कर रही है, उनके नाम भी आने चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस फौज के पीछे, उस इंटेलिजेंस एजेंसियों के पीछे एक मुआशरा है जो इतना बेहद बेहद हो चुका है कि वो समझता है कि इसमें हमारा क्या लेना देना, किसी फौजी ने अगर किसी को उठा के उसके साथ तशद्दुद किया तो मेरा इसमें क्या कसूर, उसमें कसूर है क्योंकि उनकी तनख्वाह जो है वो हम लोग देते हैं, जो किसी टॉर्चर चैम्बर में बैठा हुआ किसी बच्चे के नाखून खींच रहा है उसकी तनख्वाह आपकी जेब से जाती है, जो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं उस बिजली का बिल जो है हम लोग देते हैं। तो उसके बाद कम अज कम हम ये नहीं कह सकते कि इसके हम जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ एक इदारा या ये कुछ मखसूस लोग हैं जो ये जिम्मेदार हैं। तो हमें हम लोगों को, चाहे हम मीडिया में हों, मीडिया से बाहर हों, हमें कम से कम इतनी आसानी से अपने आप को बरेज़ुम्मा नहीं करार देना चाहिए। मेरा ख्याल है अब्दुल रजाक साहब की बहन कुछ कहना चाह रही है, अगर आप उनसे। मैं आजी अब्दुल रजाक की बहन हूँ, 24 अप्रैल से मेरा भाई लापता है, मार्च से लापता है, अभी तक इसके FIR नहीं काटी गई है, 10 चक्कर वहाँ के लगाए हैं, FIR नहीं कट रही है, बाध्या होने की बात तो बहुत दूर है। बलोचों पे मुझे नहीं पता ये जुल्म क्यों हो रहा है, ये सतेलापन क्यों कर रहे हैं हमारी समझ में नहीं आता। यहाँ पे मीटिंगें होती हैं, लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है।
प्लीज मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, सबसे बड़ा सबको पैदा करने वाला और आपको इस मकाम पर पहुँचाने वाला खुदा है, अल्लाह ताला है, मैं उसका वास्ता देती हूँ। प्लीज आप लोग कुछ ना करो, सिर्फ हमें रास्ता बताओ कि हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास अपील करें। ये मैगन के लिए मैं एप्लीकेशन लाई हूँ, ये सिर्फ दिखाना नहीं है, ये सिर्फ मेज के ऊपर नहीं रखना है, ये कचरे के डब्बे में नहीं जाना चाहिए, इसमें हमारे अरमान है। मेरे भाई के चार तीन बेटियां एक बेटा है, मेरा भाई बेकसूर है, एक सहाफी है। अगर उसने कोई जुर्म किया है उसको खुलेआम लेके भी सजा दी जाए, उसको हमारे सामने पेश किया जाए, कुछ तो बोले। एजेंसी क्या चीज है हमें नहीं समझ में आती, कहीं भी जाते हम नहीं कहते, लोग कहते हैं, हमें नहीं पता एजेंसी क्या है। लेकिन जैसे हमने यह सुना है कि अल्लाह ताला हमें नजर नहीं आता, लेकिन एजेंसी क्या चीज है तो हमें नजर नहीं आती है, इसका सुराग नहीं मिलता है। प्लीज आप लोगों को तो पता होगा, चले आप ना जाए, लेकिन हमें पता तो बताए, हमें रास्ता बताए, हम खुद जाएंगे। लेकिन हमारा एक ही भाई है, खुद कभी कमाने वाला मेरा भाई एक ही है, हम छह बहने, मेरे भाई के एक बेटा तीन बेटियां हैं। ये हमारे साथ जुर्म नहीं है कि इसके अभी तक एफआईआर नहीं कटाई गई है। आप तो इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कौन सा रास्ता दिखाते हैं? जब तक आज आप हमें रास्ता नहीं दिखाओगे, हमारी मदद नहीं करोगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक एफआईआर के लिए आज 12 दिन हो गए मेरे भाई को लापता हुए, एक 12 दिन कम नहीं होते। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट से उसूल है कि 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर काट दी जाती है। चले अगर वो मुजरिम है तो उसको अदालत में पेश करें, थाने में लेकर आए, कुछ तो करें, कुछ तो हमें दिखाएं। बंदा ना तो बंदे का साया ही दिखा दे हमें। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ प्लीज प्लीज आप लोग कुछ हमारी मदद करें।